अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, दैट वाज अबाउट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। तो वहाँ पर हमने कुछ एडिटिंग के बारे में सीखा था, कट कॉपी पेस्ट वगैरह के बारे में, और फिर हमने कुछ चीज़ें और भी, सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट वो भी देखी थी। तो अभी हम यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्मेटिंग, उसके बारे में सीखेंगे कि अब हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, हम उसमें किस तरह से चेंजेस लाकर उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ सीखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आपने कोई एडिटिंग करनी है, आपने फॉर्मेटिंग करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोगों ने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हमने जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट आवर टेक्स्ट एंड देन वी कैन अप्लाई आवर फॉर्मेटिंग ऑन इट। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ फॉन्ट टाइप एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट, कि हम अपना जो फॉन्ट है, जो हमने टाइपिंग की है, जिस टेक्स्ट जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है, उसको उसका जो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं, जो डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स हैं, वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट आवर टेक्स्ट। सपोज हमने ये वाला जो पैराग्राफ है, इसकी हमने जो हाईलाइटिंग, इसकी जो हमने फॉन्ट टाइप है वो चेंज करना है। ठीक है, हमने इसको, इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होम का टैब है वो सिलेक्टेड है, राइट। और इसका ये वाला रिबन है, मैं रिपीट करता जाऊँ, ये वाला ग्रुप जो है दैट इज़ क्लिप बोर्ड ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ये फॉन्ट ग्रुप है, ये वाला पैराग्राफ ग्रुप है, और ये वाला स्टाइल्स ग्रुप है, और ये लास्ट वाला जो है ये एडिटिंग का ग्रुप है। हर ग्रुप में डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। तो आप हर ग्रुप में देखें तो आपको राइट साइड पर एक छोटा सा एरो नज़र आता है, राइट, बिल्कुल राइट पे कॉर्नर पर आपको छोटा सा एरो नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप लॉन्चर। तो आप इस ग्रुप की जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो आप इस ग्रुप से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो एक ही डायलॉग बॉक्स में सारी की सारी देख सकेंगे। इसका भी हम अभी यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अपने, सबसे पहले हमने कर क्या रहे हैं यहाँ पर, कि हम अपने टेक्स्ट का जो हमने हाईलाइट किया, जिसको सिलेक्ट किया है, इसका जो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल है या जो इसका फॉन्ट टाइप है वो चेंज करने जा रहे हैं। वो हम कहाँ से कर सकते हैं, फॉन्ट के टैब में, यहाँ पर बिल्कुल इसी के नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर कैलिब्री बॉडी के नाम से एक फॉन्ट है वो नज़र आ रहा है। आपने अगर डिफरेंट फॉन्ट्स चेक करने हैं तो आप यहाँ पर जब इसके ये एरो पे क्लिक करेंगे, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो यहाँ पर आप इसके डिफरेंट जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं वो देख सकते हैं। आप माउस पॉइंटर को इन डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स के ऊपर लेकर आएँ तो वो जिस तरह से इसको चेंज करेंगे आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक के ऊपर लेके आता हूँ, यू कैन सी कि एरियल ब्लैक किस तरह का नज़र आएगा, एरियल नैरो किस तरह का होगा, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड एक फॉन्ट है ये किस तरह सा होगा। तो आप यहाँ से उसको, अगर आपने सपोज़ ये वाला सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी मेरा माउस पॉइंटर है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने सिलेक्शन की थी वो उसमें जो फॉन्ट टाइप है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द फॉन्ट टाइप। इसके बाद इसके साथ ही राइट पर आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज़ का, जैसे मैं माउस पॉइंटर को इस ऑप्शन के ऊपर लेके आता हूँ तो आपको यहाँ पर इसकी बैलून हेल्प, ये वाली जो बैलून हेल्प है इसके साथ ही अपीयर होती है, जिस पर लिखा हुआ है फॉन्ट साइज़, और इसके लिए साथ में शॉर्टकट की भी नज़र आती है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इसके ज़रिए से, इस शॉर्टकट की के ज़रिए से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने अगर फॉन्ट को, फॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो यहाँ पर हम इसके ये जो एरो हेड है इस पर क्लिक करेंगे, यू विल सी डिफरेंट फॉन्ट साइजेस। अभी हमारा जो 11 फॉन्ट साइज सेलेक्ट था, अभी हम 12 पे देखते हैं, तो इस तरह से 14 पे, 16 पे, 18 पे, तो इनको हम डिफरेंट जो फॉन्ट साइजेस हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमने कोई भी सिलेक्ट करना है तो हम इसको यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट साइज़ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि हम जो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स और डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यही सारी ऑप्शंस हम कहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपसे बात की थी कि जो ग्रुप लॉन्चर होता है, ये फ़ोन का ग्रुप है, तो इसके बिल्कुल राइट पर
एक ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर ये आप एक लाइन देख सकते हैं और यहाँ पर ये लाइन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान में ये फॉन्ट का ग्रुप है और इसके ये बिल्कुल राइट कॉर्नर पर, बॉटम कॉर्नर पर आपको ये एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप लॉन्चर। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यू विल सी कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपके पास वही डिफरेंट जो राइटिंग स्टाइल्स थे वो नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप इन राइटिंग स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी बैकग्राउंड में जो आपके सामने ओपन हुआ हुआ है, जिसको आपने हाईलाइट किया, वहाँ पर नहीं हो रहा। इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर माउस पॉइंटर को फॉलो करें, ये प्रीव्यू की ऑप्शन है, यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर आप इसको अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये प्रीव्यू दे रहा है कि आपका जो ये वाला फॉन्ट है ये किस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं और डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स जो हैं वो देख सकते हैं और उनको उनका प्रीव्यू भी कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसके साथ ही फॉन्ट स्टाइल है कि डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स क्या हैं, कि आपका जो फॉन्ट टाइप है वो नज़र आया आपको यहाँ पर। अब आप इसको अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं और साइज़ की ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल रही है कि आप अपने जो टेक्स्ट है उसका साइज़ किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, लाइक यहाँ पर है फॉन्ट कलर, आपके फॉन्ट का जो कलर है वो किस तरह से होगा, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आपके सामने कलर पैलेट नज़र आता है और ये पैलेट के ज़रिए से आप अपने कलर, अपने फॉन्ट को कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन स्टाइल, ये क्या है, यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल्स हैं कि अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ, अगर आप यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसको सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप इसको डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप इसको थिक अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये डॉटेड अंडरलाइन भी हो सकता है, ये डिफरेंट डॉटेड स्टाइल्स हैं अंडरलाइंस के, ये सारे आपको यहाँ पर जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये सारे डिफरेंट आपको स्टाइल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये आप इस अपने टेक्स्ट को यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने अपने टेक्स्ट को ये वाला अंडरलाइन करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं कि ये आपके अंडरलाइन का स्टाइल नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसी के आगे आपको यहाँ पर अंडरलाइन कलर, कि जो आपका अंडरलाइन कलर है यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है प्रीव्यू में, कि जो आपके टेक्स्ट का कलर है वही आपके अंडरलाइन का कलर है, लेकिन अगर आप अपने अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन कलर की ऑप्शन है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट अंडरलाइन कलर चेंज सेलेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये रेड वाला ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी इन दिस प्रीव्यू कि आपका जो अंडरलाइन कलर है वो डिफरेंट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स हैं कि आपके जो टेक्स्ट है उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स क्या हैं। स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं, पहली बात तो ये कि ये जो आपके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके इनके जो लेफ़्ट साइड पर बॉक्स नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ चेक बॉक्स, तो आप इसका मतलब है कि डिफरेंट चेक बॉक्सेस को भी, एक ही नहीं, आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को एक ही टाइम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी कि एक लाइन जो है आपके टेक्स्ट के दरमियान में अपीयर हो गई है। मैं अगर डबल स्ट्राइक थ्रू करता हूँ तो सिंगल स्ट्राइक थ्रू ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली और यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू आपके टेक्स्ट में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अभी हम इनको इसको बाद में देखेंगे कि ये डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने ये दो इफेक्ट्स देखे, आप स्मॉल कैप्स के आपके सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल कैप्स में हो जाए, ठीक है, ऑल कैप्स में कि सारा का सारा कैपिटल में हो जाए, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो सुपर स्क्रिप्ट हैं, सब स्क्रिप्ट हैं, इसके हम डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ करके देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है, इनको हम बाद में देखते हैं। तो ये आपने डिफरेंट जो आपके इफ़ेक्ट्स हैं उनको आपने इनको आपने यहाँ पर अप्लाई करके, अप्लाई नहीं किया, आपने इनको यहाँ पर प्रीव्यू कर लिया है कि ये आपके टेक्स्ट पर कैसे नज़र आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं तो जो जो चीज़ें आपने यहाँ पर अप्लाई की हैं
वो सिलेक्ट की हैं वो सारी की सारी आपके इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। यू कैन सी कि आपके वो जो आपने डिफरेंट सेटिंग्स वहाँ पर की थी वो सारी की सारी अब आपके यहाँ पर अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब आपने वो डिफरेंट जो ऑप्शंस देखी थी वो कहाँ से देखी थी, यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है यहाँ से आपने इसको देखी थी, इस ग्रुप का जो लॉन्चर है यहाँ से आपने देखी थी। अब वही डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पर भी मिल रही हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी ऑप्शंस आपको मिल रही। अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, ये डिफरेंट, ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शंस जो हैं ये सारी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। फिर आपको यहाँ पर जो ये आपकी ऑप्शन वहाँ पर नहीं थी, इसको फ़िलहाल छोड़ दें आप। यहाँ पर जो टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट का कलर था वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रही हैं जो आपकी आपके उसी ग्रुप लॉन्चर में मौजूद थी। राइट, तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई किए हैं, इन इफेक्ट्स को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, आपने जो डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई की अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आपने अपने टेक्स्ट को अगेन सिलेक्ट किया। ठीक है, और अब आपने ये स्टाइल्स के ग्रुप में आना है, इसके लॉन्चर पर आपने क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स जो ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स है ये आपके सामने अपीयर हुआ। इसकी सबसे पहली ऑप्शन क्या है, क्लियर ऑल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट की जितनी आपने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग विच यू हैड अप्लाइड ऑन योर टेक्स्ट। तो यहाँ से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कि आप लोगों ने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अब हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं जो हमने देखनी है, तो जो हमने वहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ऑप्शंस देखी थी वो क्या हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए सपोज़ हमने मैथ्स में जिस तरह से यूज़ होता है, अगर हम बात करते हैं O2, ठीक है, O2 ऑक्सीजन के लिए, तो ये O2 ऐसे तो नहीं होता, ये जो है सबस्क्रिप्ट है, हमने इसको क्लिक किया, इसको हाईलाइट किया और यहाँ से हमने ये आपके पास सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सपोज़ पावर की ऑप्शन रखनी है, आप 2 power 2 बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आपने 2 लिखा, आपने इस 2 को पावर में कन्वर्ट करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन है, आपने इस पर जब क्लिक करना है तो ये 2 power 2 की जो ऑप्शन है, सॉरी 2 power 2 जो है, ये 2 जो है ये सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने फर्दर आगे कुछ नहीं करना तो यू हैव टू अनचेक दिस वन, अब आपका जो कर्सर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शंस। ये आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट है, अब हम जो नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की वो देख रहे हैं। ठीक है, हमने पैराग्राफ को कैसे, पैराग्राफ की डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, तो हमने इसमें अगर इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो चेंज करनी है, अगर हमने इसकी अलाइनमेंट्स हैं वो चेंज करनी है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैराग्राफ को हाईलाइट कर लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने पैराग्राफ को हाईलाइट या सिलेक्ट कर लिया है। राइट, अब हम क्या करेंगे, ये पैराग्राफ का आपके सामने ग्रुप है, इस ग्रुप की आप हेडिंग भी देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ का ग्रुप है। अब आप यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास बुलेट्स हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं वो कौन सी हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट की ऑप्शंस। कि पैराग्राफ अलाइनमेंट ये लेफ्ट अलाइन है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक टैब या एक सिंगल इंडेंट की ऑप्शन पर है, एक सिंगल टैब की ऑप्शन पर है। ठीक है, विच शोज़ कि ये आपका एक नया पैराग्राफ है। तो लेकिन अगर आप ये लेफ्ट अलाइंड है कि आपकी जितनी भी यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपके जितना भी टेक्स्ट आएगा वो सारा का सारा जो है वो लेफ्ट अलाइंड होगा,
ठीक है, जितने भी आपके जो राइट साइड से, ये इस पैराग्राफ की राइट साइड है, राइट साइड पर ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है, ये यहाँ से अलाइंड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर जो है, लाइक मैं यहाँ पर एक कोर लाइन टाइप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये मैंने आपके लिए कुछ लाइन टाइप कर दिया ताकि आप लोगों को वाजह हो जाए कि ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन आप अगर नोट करें तो ये लेफ़्ट साइड से अलाइंड है, सारी लाइनें, इसकी जो सारी लाइनें हैं वो लेफ़्ट साइड से एग्जैक्टली एक लाइन में है, ठीक है। लेकिन अगर राइट साइड को देखें तो ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये राइट साइड से अलाइंड नहीं है ये पैराग्राफ आपका। तो इस वक्त अगर आप इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं तो यू कैन सी के ये पैराग्राफ के इस ग्रुप में ये लेफ़्ट अलाइंड है, ठीक है, ये लेफ़्ट अलाइंड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इट मींस कि ये पैराग्राफ आपका लेफ़्ट अलाइंड है। ये नेक्स्ट आपका सेंटर है, सेंटर अलाइनमेंट, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पैराग्राफ सेंटर अलाइंड हो जाता है, ये दोनों तरफ से उसको अलाइन रखने की कोशिश करता है। जब आप राइट अलाइंड पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ अपोजिट टू लेफ़्ट लाइन, ये यहाँ पर अब राइट साइड से एक ही लाइन में आ गया है, लेकिन ये अब लेफ़्ट साइड से अलाइनमेंट एक जैसी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये लास्ट अलाइनमेंट ऑप्शन की, विच इज़ जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में ये दोनों तरफ से, इस तरफ से भी अलाइंड है और ये इस तरफ से भी अलाइंड है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ के डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं वो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इंडेंटिंग की ऑप्शन है, ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है, ये इंडेंटिंग है, राइट। जब आपने ये वाली इंडेंटिंग है कि आपका पैराग्राफ यहाँ से ये सिंगल इंडेंटेड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम ये इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका पैराग्राफ जो है वो एक इंडेंट राइट पर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से ये यहाँ पर ये सारा का सारा एक ही इंडेंट में शिफ्ट हुआ। हम इसको फर्दर भी इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ को आप इंडेंटिंग यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पैराग्राफ को जो है वो सिलेक्ट करने की, आपके पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसमें डिफरेंट जो है उसकी सेटिंग्स को चेंज करने की। अब हम बात करते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी उसमें जो लाइनिंग है, लाइंस हैं उनके दरमियान स्पेसिंग की, वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आपका जो टेक्स्ट है उसकी लाइन स्पेसिंग कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हम पैराग्राफ ग्रुप के लॉन्चर को क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, इसको देखें अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने स्पेसिंग की ऑप्शंस हैं, राइट। यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन आई, यहाँ पर इस वक्त जो स्पेसिंग है दैट इज़ मल्टीपल, आपकी मल्टीपल की स्पेसिंग सेलेक्ट हुई है। अगर आप सिंगल पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कि आपकी जो स्पेसिंग है यहाँ पर ये कम हो गई, ठीक है। अगर आप 1.5 लाइंस पे क्लिक करते हैं तो यू विल आफ्टर अप्लाइंग ओके यू विल सी कि ये स्पेसिंग यहाँ पर लाइन के बीच में ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डबल स्पेसिंग आ जाएगी, ये स्पेसिंग और ज़्यादा बढ़ गई। तो वो डायलॉग बॉक्स जो आप यहाँ पर लॉन्चिंग करने से लेके आ रहे हैं वो आप इस पैराग्राफ सिलेक्टेड पैराग्राफ पर अगर आप माउस से राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो पैराग्राफ की ऑप्शन मिल जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप अपने इस सिलेक्टेड पैराग्राफ के ऊपर माउस पॉइंटर को लेके आएँ और यहाँ पर राइट क्लिक करें
तो आपके पास यहाँ पर ये पैराग्राफ की ऑप्शन, आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है। यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग की डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो स्टूडेंट्स आप अपनी जो ओपिनियन है इस लेक्चर के बारे में वो आप लोगों ने लाजमी जो है आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद कहाँ तक लर्निंग की है।